अभी मत खरीदना सोना एवं चांदी, सस्ता होगा। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान फ्री में। सोना आपको बहुत जल्द और बहुत सस्ता मिलने वाला है। लगभग सोना 22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगा, देखिए किस तरह। पर इससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ऐसा करते हैं तो और भी कई रोमांचक, चटपटे और रहस्यमय वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू। सोने की चमक घटने के आसार आ सकता है 2 साल पुराने रेट पर। नोटबंदी के पखवाड़े बर्बाद, सोना लगातार गिरा, फिर बीते 2 महीनों में काफी तेज हुआ, लेकिन अब इसकी चमक घटने के आसार है। दरअसल वायदा बाजार सोना लगातार कमजोर हो रहा है, स्थानीय मार्केट में भी मांग नहीं है, इसका असर अब दिखने लगा है। बुधवार को सोना एक बार फिर से 28,500 के नीचे आ गया। चांदी भी 1,800 रुपये लुढ़क गई। सोना 700 रुपये की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 28,000 रुपये रहा और चांदी 40,000 रुपये प्रति किलो रही। 2 साल पुराने रेट पर सोने की वापसी संभव हो सकती है। अभी शादी के मुहूर्त नहीं है, जिससे सरापा बाजार में सन्नाटा परसने लगा है। सोने चांदी की गिरावट को महीने भर बाद आने वाले शादी सीजन के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतें घटेगी, निश्चित रूप से कारोबार की रफ्तार बढ़ेगी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति देखते हुए आने वाले दिनों में सोना एक बार फिर अपने निचले स्तर पर आ सकता है। अप्रैल सराफा मार्केट के लिए लकी साबित हो सकता है। अभी सराफा कारोबारियों ने खरीदारी कर दी है ताकि बाजार की उठापटक से उन्हें नुकसान उठाना ना पड़े। वायदा बाजार में सोना कमजोर, फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं तो उसका असर सोना चांदी पर पड़ेगा। एक सामान्य धारणा है कि शेयर मार्केट शिखर पर जाता है तो सोने चांदी के दाम घटते हैं। इन दिनों यही स्थिति है। चुनावों के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने से शेयर मार्केट शिखर पर जा रहा है। जिन्होंने नोटबंदी में की थी खरीदारी उन्होंने काटी चांदी। जिन्होंने नोटबंदी के दिनों में निवेश के लिए सोने की खरीदारी की थी उन्होंने फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में अच्छा मुनाफा कमाया। दिसंबर में सोना 26,000 के स्तर पर आ गया था, फरवरी में वह 31,000 पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ कर रहे हैं कि अभी सोने में निवेश उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।